अगर आपको लगता है कि आपका डॉग आप पे बोझ है और वो आपको बहुत परेशान करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रॉय मेरे साथ डे टू डे में कैसे जीता है। क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ोन तो चलाता नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन चलाने के बाद इसके साथ खेलता हूँ ना, तो मेरा टाइम ये में ज़्यादातर चला जाता है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है, इसको भी बहुत मज़ा आता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं रॉयल रहते हैं रोज दिन ब दिन, कैसे मस्ती करते हैं, कैसे शैतान करते हैं, कैसे बातों परेशान करते हैं, कैसे कभी कभी झगड़ा भी करते हैं। तो गाइस सुबह के 5:30 बज रहे हैं और रोज़ की तरह मैं उठ चुका हूँ। छुट्टियों में भी मैं इतने बजे उठ जाता हूँ, और ये दुष्ट अभी इतना वॉकिंग करके आया है 2-2 किलोमीटर, फिर भी देखो कैसे कूदे पड़ा है। मेरी तो हालत पतली हो चुकी है, और ये चारों तरफ दौड़ के मुझे ऐसे क्या बोलते हैं पूरी तरह दौड़ाने की ट्राई कर रहा है कि मैं इसको पटकता हूँ। अभी रुक, तुझे बताता हूँ, तू मुझे वॉकिंग के टाइम पे इतना जल्दी जल्दी लेके आता है तो मैं तुझे बताता हूँ। गाइस ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये देखिए ये एकदम मस्त गर्म लगा। और गाइस ये जानबूझ कर माँ जी के पुदीने का पुदीना सेक बनाता है, फिर माँ जी मुझे कचर देती है कि माँ जी को लगता है कि मेरी गलती है, ऐसी मेरी कोई गलती नहीं होती। यही मुझे बहुत फंसाने की कोशिश करता है, ये बहुत दुष्ट है एक नंबर का। और ये देखिए ये बॉल लेके ऐसे दौड़ रहा है कि जानबूझ के, कि मैं इसको बताता हूँ भाई, मैं तुझे बताता हूँ, तो मुझे पकड़ के दिखा, मेरी स्पीड का एकदम कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। रॉयल तेरी स्पीड मुझे पता है बहुत तेज है, पर अगर मैंने तुझे पकड़ लिया ना तो मैं तुझे कचर दूंगा। अच्छा भाई तेरी हिम्मत है तो ले मुझे पटक के दिखा। तो गाइस ये इसका ऐसे दिन ब दिन चलता ही रहता है। उसके बाद पानी आया तो हमने चिड़िया लोगों के लिए पानी भी भर दिया, रॉयल भी वहीं पे पानी पीने लगा एकदम मस्त। रॉयल को तो लगता है कि मेरा ही पानी है, और यहाँ पे मैं चावल रखता हूँ चिड़िया के लिए, और रॉयल को तो लगता है कि मैं सब कुछ जितना भी रहता है कि सब कुछ पूछ लूँ, ना चिड़िया को ना मिले ना चमकुल्ली को मिले। बहुत वो है पॉजिटिव टाइप का है कि अपने तक रखना चाहता है, और अपने लोगों से बहुत प्यार भी करता है वैसे तो रॉयल। तो इसलिए सुबह ही मैंने चिड़िया के लिए डाल दिए दाने बहुत सारे, और एकदम सूर्य निकल चुके थे अब तो। तो अभी मुझे तो पता ही था कि धीरे धीरे गर्मी हो जाएगी, तो मैंने ठंडा ठंडा पानी भी डलवा दिया माँ जी की हेल्प से पूरे चारों तरफ मैदान में। उसके बाद रॉयल गया शैतानी करने के लिए, उसके बाद रॉयल पता नहीं मिट्टी में लोटपोट करने लगा था, तो उसके बाद हमें उसे भी निलाना पड़ा था। तो गाइस यहाँ पे ईगल भी आ चुका है, इसने बहुत बुरी तरह बहुत सारी चिड़ियों पर हमला भी कर दिया था, पर फिर रॉयल ने। और गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, इसको मैं अभी सुसु कराने आया हूँ लल्लू लाल को, ये एकदम अभी तक तो सो ही रहा था, तो अब मैं इसको लेके आया उठा के, थोड़ा अभी आलसी में है तो मैं थोड़ा इसकी जंपिंग करा रहा हूँ दोपहर में ही जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा ये चुस्त मुस्त हो जाए, उसके बाद एकदम उसका प्रेशर भी बन जाए सुसु में। उसका प्रेशर बन चुका है, नए फूल खिले हैं, और एकदम फूल के पीछे नए पुदीनों में ये खिल रहा है, पता नहीं क्यों रोज ही करता है ये तो ऐसे। कि देखिए एकदम मंत्र पढ़ते पढ़ते एकदम अच्छे से सोच विचार करके सुसु किया जाता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो गाइस अब बज चुके हैं शाम के 6:30, मैं निकल चुका हूँ रॉयल के साथ एक वॉक पे आराम से, शाम को वैसे गर्मी तो है ही। गाइस ये है हमारी चमकुल्ली, इसे पता नहीं क्या हो गया है गर्मी से, लू के कारण शायद से काफ़ी बीमार हो गई है, तो खाना पीना नहीं खा रही है। तो माँ जी को तो आप देख ही सकते हैं कि सारे मतलब जानवर से बिल्कुल नहीं डरती हैं, कभी चिड़िया हो कभी चमकुल्ली हो। तो माँ जी ने इसको मस्त दवाई पिला दी, गटक गटक गटक, मुँह तो बहुत खतरनाक बना रही थी, पर इसको पिला दिया है 2 दिन से तो पिला रही हैं, और अब बढ़िया हो गया है इसकी सेहत, तो अब ये मस्त अब खाना पीना भी खाने लगी है। और ऐसे ही माँ जी ने कल एक चिड़िया के बच्चे को भी उठा के रखा था जो ऊपर से गिर गया था, और फिर उसकी मम्मी उसको उड़ा ले गई। फिर माँ जी वैसे काफ़ी हेल्पफुल नेचर की हैं, और ज़्यादातर हेल्प करने के सोचती रहती हैं, वैसे मेरे को ही नहीं हेल्प करती हैं, और रॉयल को तो मस्त ज़िंदगी है ही रॉयल की, तो माँ जी की वजह से। तो गाइज आपने देखा कि हम दोनों कितनी मस्ती करते हैं, माँ जी भी कितनी अच्छी।